सबसे पहले आप सभी को चंद्रयान 3 के लैंड होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि मून पे आज लैंड हो गया है और आज हम सभी भारतीयों के लिए काफी गर्व का दिन है ये। सो दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का एक बार फिर से आईएएस गुरुजी पे स्वागत करता हूँ एक और नए अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीलियम्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हो 2023 का प्रीलियम्स हो चुका है और इसके साथ मार्केट में बहुत सारी किताबें आ गई है जो कि यूपीएससी प्रीलियम 2023 के लिए है। तो बहुत सी किताबें मैंने देखी है जिसके अंदर आपको 29 साल के आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, लेकिन इतने कई बच्चे ऐसे हैं जो कि इतने साल के नहीं लगाना चाहते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी यूपीएससी का ट्रेंड काफी चेंज हो गया है और हमको भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। तो जो बच्चे कम ईयर का ढूंढ रहे हैं या फिर 9 से 10 या फिर 11 साल का ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए किताब आई है जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है और बहुत ही एक बेहतरीन राइटर ने लिखी है। तो ये जो किताब है ये नॉलेज इंडिया पब्लिकेशन से आई है, जिसके अंदर 11 साल का आपको यूपीएससी प्रीलियम्स के सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो यानी कि आपका 2013 से लेकर 23 तक के अंदर इसके अंदर आपको सारे सॉल्व पेपर दिए गए हैं। और इनके राइटर की बात करें तो बहुत ही अनुभवी एक राइटर हैं जो कि धर्मेंद्र झाकड़ सर है। इनका खुद का एक चैनल भी है, आईएएस विद धर्मेंद्र झाकड़, तो इनका यूट्यूब चैनल है। ये इस पे काफी स्ट्रेटेजी वगैरह भी शेयर करते हैं और पढ़ाते भी हैं। और इसके साथ मैं आपको अभी इस किताब का एक रिव्यू देता हूं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस किताब के अंदर क्या क्या स्पेशल लिया गया है और क्या क्या चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो आइए एक बार देखते हैं। दोस्तों, ये किताब है हमारी जो कि नॉलेज इंडिया पब्लिकेशन से आई है। इसके अंदर आपको 11 वर्ष का, जैसे कि मैंने बताया, सॉल्ट पेपर है। 2013 से लेकर 23 तक का इसके अंदर आपको फुल्ली सॉल्ट पेपर मिलेगा जो कि सब्जेक्ट वाइज आपका रहने वाला है। तो ये जैसे कि दिया हुआ है, जीएस विषयवार बेहतरीन और विस्तृत व्याख्या स्टेट पीसीएस के लिए भी आपको उपयोगी रहने वाला है। और इनके राइटर की बात करें तो धर्मेंद्र झाकड़ सर हमारे इसके राइटर हैं, जिन्होंने 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया है और 4 बार ये आईएएस मेंस में बैठे हैं। इसी के साथ इसमें जो सहयोग दिया है उपेंद्र ढाका सर ने दिया है, जो कि एक बार इंटरव्यू में बैठे हैं और 3 बार इन्होंने आईएएस प्री क्लियर कराया है। सो दोस्तों, अभी हम देखते हैं इसका कंटेंट में कौन कौन से चैप्टर है और किस तरीके से इसके अंदर दिया हुआ है। सो विषय सूची पे अगर नजर मारे तो सबसे पहले आपका, जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट वाइज आपका रहने वाला है। तो इतिहास है सबसे पहले, देन उसके बाद भूगोल है, फिर पर्यावरण है, परिस्थितिकी यानी कि आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो पार्ट होता है वो रहने वाला है। इसके बाद राज व्यवस्था, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था, देन उसके बाद विज्ञान है, प्रौद्योगिकी यानी साइंस टेक आपका, उसके बाद समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर का जो आपका पार्ट रहता है वो है। और मैं थोड़ा सा आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रहने वाला है। तो ये हमारा भारतीय इतिहास का पोर्शन है, जिसके अंदर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर यानी कि आपका कला एवं संस्कृति का पोर्शन भी लिया गया है। और अंदर कंटेंट की बात करें तो 2013 में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको लिया हुआ है। देन उसके बाद ये आपका 14 का है, इसी तरीके से ये 23 तक आपके रहने वाले हैं। जो जोनसी ईयर में भी जिस पोर्शन से आपके क्वेश्चन आए हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और ये सारा इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। और दोस्तों, इस किताब की अगर प्राइस की बात करें तो 484 इसकी एमआरपी है, आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 280 और 290 की मार्केट में मिल जाएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी दे दूंगा, आप वहां से मंगा सकते हैं। और सर की एक और किताब आती है जो कि हमारी ये है, जो कि आपकी नीति शास्त्र की है यानी कि जो आपका एथिक्स का पेपर 4 होता है उसके ऊपर ये किताब है। काफी बेहतरीन किताब है, ये भी सर ने अभी कुछ टाइम पहले ही निकाली है और इसका भी रिव्यू देखा गया है कि बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर जो कंटेंट लिया है सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिया है। मैं आपको इसका भी थोड़ा सा कंटेंट दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर टोटल 8 चैप्टर लिए हुए हैं और ये आपकी कुछ इस तरीके से। और इस किताब के प्राइस की बात करें तो ये आपकी 240 इसकी एमआरपी है और आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 140 और 150 के आसपास मिल जाएगी मार्केट में। और दोस्तों, अगर आपको ये किताबें चाहिए होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा। और अगर आप दिल्ली में मुखर्जी नगर के आसपास कहीं रहते हैं, अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में मुखर्जी नगर से राय बुक शॉप से ले सकते हैं। और अगर भारत के किसी दूसरे भाग में रहते हैं तो इन दो नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं अपने घर तक, या आपको आसानी से आपके घर तक ये किताबें भेज देंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी यूपीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल की डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना ना भूलना ये वीडियो आपको कैसे लगी, और दूसरी बुक का रिव्यू करवाना हो या फिर आपको कोई दूसरी बुक की क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।